नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत इतना गरीब देश है तो वो नोट छाप के अमीर क्यों नहीं बन जाता? अगर आपको एक नोट छापने की मशीन मिल जाए तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली नोट ही छापेंगे, मगर मामला इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। जिनके पास नोट छापने की मशीन है वो लोग भी नोट नहीं छाप सकते, जैसे कि बड़े बड़े देशों की सरकारें। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट तो छाप ही सकती है, अब भाई नियम और कानून भी कोई चीज होती है। इंडियन करेंसी के नोट छापने का अधिकार भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। बस एक रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सारे नोट RBI छापती है। तो अब सवाल आ जाता है कि सरकार नोट छाप के अपने देश को अमीर क्यों नहीं बना देती? तो यह इतना आसान भी नहीं है। सरकार को भी नोट छापने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए एक लिमिट से ज्यादा नोट नहीं छाप सकता। नोट छापने के कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक है। अगर देश में ज्यादा नोट छपने लगे तो सभी के पास ज्यादा नोट आने लगेंगे, जिसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर करेंसी की वैल्यू कम होने लगेगी और ज्यादा नोट छापने से महंगाई भी कई गुना बढ़ने लगेगी। अब इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। मान लो किसी देश में सिर्फ 5 लोग रहते हैं और सबके पास 100-100 रुपए हैं और उस देश में 50 किलो चावल पैदा होता है, तो उन 50 किलो चावल की टोटल कीमत 100 × 50 = 5000 होगी। अब मान लो उस देश के पास नोट छापने की मशीन है और वह देश खूब सारे नोट छाप रहा है, तो अब सबके पास 100-100 की जगह 1000-1000 रुपए होंगे और उन 50 किलो चावल का टोटल मूल्य 1000 × 50 = 50000 हो जाएगा। अब उन्हीं 50 किलो चावल का मूल्य 5000 से 50000 हो जाएगा। मतलब तो आप अब समझ ही गए होंगे, सरकार जितना ज्यादा नोट छापेगी उतनी ही ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और इसी को हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज ले लिया था, मगर युद्ध में हुई हार के बाद वह कर्ज नहीं चुका पाए। तो जर्मनी ने सोचा कि अब हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। बस फिर क्या था, जर्मनी ने यही किया और अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा छापा और नतीजा यह हुआ कि वहाँ की मुद्रा की वैल्यू कम हो गई और महंगाई आसमान छूने लगी। इसीलिए किसी देश की सरकार अपनी इच्छा अनुसार मुद्रा नहीं छाप सकती। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे सपोर्ट करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, ताकि मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। और मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और अंत में मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको पता है कि भारत के किन किन जगहों पर नोट छापे जाते हैं? अगर पता है तो नीचे कमेंट करके